एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और इंतहाई अदब से दस्ते अदब जोड़ कर पूछने लगा कि या अली, मरने के बाद इंसान अपने घर वापस आता है और जो दुनिया में इनके रिश्तेदार थे उनको याद करता है या नहीं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अफसोस है कि ज़िंदा इंसान भूल भी खुद जाते हैं और भूल जाने का शिकवा भी खुद करते हैं। जब इंसान मर जाता है तो मौत के बाद बरज़ख के 21 दियाल हैं, इनमें सात सात दाबीर हैं। पहले हिस्से में मौत के बाद वो लोग होते हैं जिनके आमाल बद होते हैं, बे इंतहा गुनाह करते हैं, जिनकी वजह से बहुत से लोग रोते हैं। इनके पाँव और हाथ में आग की जंजीरें पहनाई जाती हैं और वो रोते रहते हैं। इनको इतनी इजाज़त नहीं होती कि वो बाहर निकल सकें क्योंकि इनके लिए जहन्नम के दरवाज़े खुल चुके होते हैं। ना वो बाहर जा सकते हैं और ना ही एक पुल के लिए उनको आराम मिलता है। बस इंतज़ार करते हैं इस पल का कि अब हमारा क्या होगा। जब अल्लाह रोज़ महशर हमें उठाएगा, दूसरे हिस्से में वो लोग होते हैं जिनके अमाल नेक होते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं, जिन्होंने अपने अफ़आल से अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा दिया और अल्लाह की इबादत की। इनके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अल्लाह की तरफ से उनको ये इजाज़त होती है कि वो जब चाहें बरज़ख़ से आलम उसूल, आलम मलकूत, आलम तियाज़ और आलम वस्त की तरफ जा सकें। इस जहाँ में भी आते हैं, पिछले जहाँ में भी जाते हैं, मुकद्दस मकामात की ज़ियारत को भी जाते हैं और वो नेक बंदे कभी कभार अपने ज़िंदा लोगों के ख्वाब में भी आ जाते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं। और तीसरे हिस्से में वो लोग होते हैं जिनका तराजू बराबर होता है, उनके गुनाह तो इतने नहीं होते लेकिन उनकी नेकियां होती हैं। इन्होंने ना किसी को नुकसान पहुंचाया और ना ही किसी को फ़ायदा। इन अल्लाह के बंदों के लिए ना जहन्नम का दरवाज़ा खुलता है ना जन्नत का, वो दूसरे जहानों में जा नहीं सकते। अल्लाह की तरफ उनको ये मोहलत ज़रूर मिलती है कि वो ज़िंदा इंसानों की दुनिया में जाया करें। इनका कब्र से जाने का एक मखसूस वक़्त होता है। तो इस शख्स ने पूछा, या अली, वो वक़्त कौन सा होता है? तो फरमाया, जिस तरह से इंसान दिन और रात की कैद में है वो इसी हिसाब से अपने वक़्त को तश्कील देते हैं।